मैंने उस अंग्रेज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा हेल्प मी। तुम्हें उन दोनों के बीच में से हट जाना होगा। तुम कल ही इस गांव को छोड़कर अहमदाबाद चली जाओ। तलाका! तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ऋषि के घर वाले तो आते ही होंगे। अरे मुझे तुझे तेरे जीजू से भी तो मिलवाना है, जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। चल। अरे बकुला बहू अब चलो भी, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ हाँ बस हो गया, आ रहे एक दो मिनट रुक जाइए। क्यों? ऋषि तैयार हो रहा है। ऋषि आई एम रेडी। लो आ गया, चल चल चल। वो हम सब ने सोचा कि अपनी सगाई में ऋषि भी हमारे साथ लड़की वालों के यहाँ चले तो क्या हर्ज है। हाँ दादाजी, वैसे भी आजकल कौन मानता है इतने ओल्ड फैशन रीति रिवाज को। ओल्ड फैशन? हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपरा कभी ओल्ड फैशन नहीं होती है, यही हमारे संस्कार है। और कोई इन्हें माने या ना माने, मैं मानता हूं। और हमारे रीति रिवाज के मुताबिक लड़का सगाई में लड़की के घर नहीं जाता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो नियम आज तक नहीं तोड़े गए उसे तोड़ने की तुम भी जिद नहीं करोगे। लेकिन नहीं लड़ूंगा। डोंट वरी दादू, मैं नहीं तोड़ूंगा। आप लोग चाहिए मैं घर पे ही रहता हूं। चलो मॉम, मैं काम करता हूँ। ऋषि को कंपनी देने के लिए मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अरे नहीं राहुल, तुम भी जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। ओके बेटा। सर देखा गलता मैंने, ये लड़की आज के दिन भी कहीं भाग गई। अरे समती जी किसी भी वक्त आते होंगे। ए महादेव, ये लड़की आज फिर कोई गड़बड़ ना कर दे, मेरी तो सांसें तेज हो रही है। ओ नानू, आपकी सासों को कहिए शांत हो जाए, तू भी आ गई है। कहाँ चल गई थी? मुझे मत डांटिया, एक मिनट इधर इसे डांटिए, पूछिए कहाँ जाने निकली थी। इसे क्यों? और क्या, आपकी लाडली सल्लू मेरी सगाई छोड़ के अहमदाबाद जाने निकली थी। बेटा तू जा रही थी, क्या हुआ? सुबले ने कोई गलती कर दी? नहीं नहीं नाना जी, सुब्बू से कोई गलती नहीं हुई, बस मुझे ये काम याद आ गया था। देखा, मेरी सगाई के दिन इसे और कोई जरूरी काम याद आ गया था। ऐसे कुछ बात नहीं है सुब्बू। ऐसे होनी भी नहीं चाहिए सल्लू, तू जानती है ना मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती। ये देख मुझे तैयार कौन करता हा? ऐसे भूत बनकर वो ऋषि कुमार के सामने चली जाती तो वो और उसके परिवार वाले तो भाग ही जाते, फिर मेरे नानू अकेले कितने घबरा जाते। सोचा है कभी? सॉरी सुब्बू। अब सॉरी बोरी छोड़ और चल जल्दी काम पे लगते हैं। हा? कौन सा काम? हे महादेव, इसका तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ सुब्बू, मेरा तो सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाय हाय सल्लू, अपने बनने सरका जो, मेरा भी दिमाग बरसों से काम नहीं कर रहा। मैंने मजाक किया। इतनी उदास क्यों है? सुन, मेरी सगाई हो रही है ऋषि कुमार से, तेरी नहीं, तो हंस। हंस ना, हंस हंस हंस। अरे बॉस सुबली, परेशान मत कर उसे। सलाका तू है ना, सुबली को जल्दी तैयार कर दे, ऋषि कुमार और उनके परिवार वाले आते ही होंगे, जा जल्दी। और सुन, तू भी तैयार हो जाना हाँ, जल्दी जा, चले जा। ओह गॉड, अबे ऋषि और उसकी फैमिली यहाँ आ जाएगी। वो मेरी माँ क्या सोच रही है? अब नहीं, मैं तुझे ऐसे तैयार करूंगी कि वो अंग्रेज मुझे देखता ही रह जाएगा। हो? पर ऋषि मुझे देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ओहो, तू फिर से क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि मैं तुझे ऐसे तैयार करूंगी कि वो सच में तुझे देखते रह जाएंगे। हाँ अब चल। वो ले ले।
बस फोन में तो अंदर तक पानी घुस गया। अब ऋषि मुझे लगता है कि हमें इस फोन को सर्विस सेंटर में लेके जाना चाहिए। राहुल हम लोग माधवपुर गांव है, यहाँ कहाँ सर्विस सेंटर मिलेगा? वैसे भी ये फोन यूके का है। छोड़ यार, मुझे इसकी थोड़ी बहुत समझ है। अच्छा तुझे समझ है, तो फिर एक काम कर, तू लगे रह, मैं जाता हूँ। ओके बाय। बस एक बार ये फोन चालू हो जाए ताकि पता चल जाए कि सुबह ने क्या मैसेज किया था। अरे हाँ हाँ, पधारो पधारो पधारो। अरे जीते रहो जीते रहो। नमस्ते भाभी, जीते रहो जीते रहो। हे गोविंद, ये है मेरा बड़ा पोता रवेश और ये है उसकी पत्नी हिला। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। अरे आओ आओ पधारो समती जी। अच्छा ये बता, तेरा समती कैसा लग रहा है? एकदम राजा जैसे। आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल, इसने सुन लिया ना तो इसकी डिमांड पे डिमांड बढ़ती जाएगी। अरे पागल हो जाएगा तू अपनी समधन की मांगे पूरी करते करते। अरे भाई समती जी और समधन जी की सारी मांगे सर आंखों पर। अरे आप सब लोग तो मेरी सुबह के जीवन में भगवान बनकर आए हो। ये रो तुड़ू, ये रोना बनकर कि क्या हमेशा जब देखो तब रोते रहता है, हाथ जोड़ते रहता है, अच्छा नहीं लगता, समझा? जनी गोठड़ी तोड़ा ता तोड़ा है नहीं तोड़ी भी कृष्ण सुदामानी जोड़ी। जे नवती माणेली ने नहीं रे जाएली भी कृष्ण सुदामानी जोड़ी। हमारे ऋषि भाई का ससुराल ये है? हाँ। इससे अच्छा तो हमारे ड्राइवर का घर होगा। नहीं क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद ऋषि को यहाँ नहीं सुबह को हमारे वहाँ रहना। यू हैव अ पॉइंट। चलो घर तो देख लिया, अब सुबह को भी देख लेंगे। बहुत सुंदर दिख रही हाँ, मगर तुझसे कम। सलू नारू मुझे देख के खुश हो जाएंगे ना? हाँ बहुत खुश, आज से उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ और वो अंग्रेज की बढ़ जाएगी। सुब्बू ऐसे नहीं बोलते, मजाक कर रही थी। आज तुझे बहुत मजाक सूझ रहा है, खुश है ना तू? अरे सल्लू मेरे नानू खुश तो मैं खुश। अरे सुबली बेटा, हाय हाय, मारी दिक्री कीवी सरस लागे जी, नजर ना लागे कोई नहीं। अरे सुबली बेटा लड़के वाले आ गए दिकरा। सलाका वो मेहमानों का आदर सत्कार करने के लिए मेरी जरा मदद कर देना बेटा। चल चल आजा, जल्दी आजा। सल्लू क्या हुआ है, खुद से कुछ छुपा रही है? नहीं सुब्बू कुछ नहीं। नहीं तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? सल्लू तू रो क्यों रही है? क्या क्या हुआ है बोलना। सुब्बू रोक नहीं तो और क्या करूं? देख आज तेरी सगाई हो रही है, फिर शादी होने के बाद तो शलाका से दूर चली जाएगी ना। सल्लू तू भी ना, सच कहूं तो मैं तुझे और नानू को छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर मैं भी क्या करूं? तू कुछ मत कर सुब्बू, तू मुझे एक प्रॉमिस कर, शादी के बाद भी तू अपनी सल्लू को नहीं भूलेगी।
मैं तुझे कभी भूल सकती हूँ? सलाका बेटा जल्दी आ जा बाहर। जा जा जल्दी जा, वरना वो कांता मासी ना चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएगी। जा। और हाँ, ये आंसू पोंछ कर जाना, वरना बाहर जो लोग बैठे हैं ना वो कहेंगे हाय हाय, ये सुबली की सगाई में उसकी सबसे अच्छी दोस्त रो क्यों रही है। बात तो सही है, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी कि मैं अपने सुबह की सगाई में खुश क्यों नहीं हूं। हो गया ना? ऑन हो गया? हाँ ऑन तो हो गया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? इसमें पानी घुस गया था ना, तो सारा डेटा चला गया, सारे नंबर सारे सारे मैसेजेस डिलीट हो गए। नॉट अ बिग इश्यू यार, कम से कम ठीक तो हो गया। सुबह ने मैसेज किया था, उसका नंबर था, सब डिलीट हो गया। पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी। आज हम लोग की सगाई है और मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात? अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? अरे हम लोग है ना आज ही सुबह के घर पे जाएंगे, तुम्हारी सगाई में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, दादाजी को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं पता चलेगा दादाजी। कैसे नहीं पता चलेगा? हम लोग है ना भेस बदल कर जाएंगे, गेटअप चेंज करके। Are you mad? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे चल यार प्लीज, बहुत मजा आएगा, कम ऑन यार प्लीज। दादाजी ने कहा ना कि रिवाज के मुताबिक। मैं जानता हूँ रिवाज संस्कार सब कुछ जानता हूँ, मगर शादी ब्याह में रिवाज तोड़ने का ही मजा है। अरे इतना मत सोच, चल चलना यार, क्या सोच रहे है? आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? ऋषि भाई का रिश्ता ऐसे घर में होने जा रहा है, मुझे ना ये बात अब भी खटक रही है। क्यों रवेश, सब ठीक है ना? जी दादाजी। अरे खाता बिन शरबत। हाँ हाँ। अरे बेटा वहां क्यों खड़ी हो, आ जाओ। आ बेटा इधर। सुबह, तुम्हारी नजर ऋषि भाई को ढूंढ रही है ना, लेकिन वो आज इस फंक्शन में नहीं आएंगे। मिला बाबू, ये सुबह नहीं है? हाँ ये सुबह नहीं है, ये सुबह की सहेली शलाका है, दोनों में गहरी दोस्ती है। ओह सुबह कहाँ है? जी वो अंदर है। If you don't mind, तो मुझे अपनी सहेली के पास ले चलोगी? जरा हम भी तो देखें हमारे ऋषि भाई की पसंद को। या, शो। ए, ऋषि, सुबह का घर आ गया। नहीं यार राहुल, let's leave. मुझे ये नौटंकी अच्छी नहीं लग रही। नहीं चलना यार, बहुत मजा आएगा। अरे चलना यार। लगता है कि तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। हाँ अरे हाँ हाँ बहुत पसंद है। ऋषि भाई ने ऐसी बिल्कुल काफ्टी लड़की को कैसे पसंद किया? अरे आओ मारा भैरू आओ, सुबह जुए तारी वाट। स्टॉप इट यार राहुल, मुझे ठीक नहीं लग रहा, किसी ने पहचान लिया तो? पहचानने का सवाल ही नहीं आता। अरे पक्का काठियावाड़ी लग रहा है मेरे भाई, काठियावाड़ी।
राहुल छोड़ यार, ये एक्टिंग वैक्टिंग ना मुझसे नहीं होगी। सुबह से मिलना है कि नहीं? हाँ बस नो आर्ग्यूमेंट, चुपचाप मेरे साथ अंदर चल। अगर दादाजी को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ पर हैं। दादाजी को पता चलने का सवाल ही नहीं है। देख दादाजी हमें ऐसे पहचान ही नहीं पाएंगे। और रही बात दादाजी के रूल्स की, तो हम लोग रूल्स कहाँ तोड़ रहे हैं? देख दादाजी ने हमें घर के अंदर जाने से मना किया, मगर दूर खड़े रहकर तू तेरी सगाई विधि तो देख ही सकता है ना। अरे आफ्टर ऑल तेरी रस्म है, देखना नहीं चाहेगा कि सुबह कैसी लग रही है? ये शिवदी को पता है सब मीठा है ना, जीवे घर से आई है। ये सब हमारे लिए है, हम इसे खा सकते हैं? हाँ हाँ खा सकते हैं, ये अपने लिए ही है, खाओ खाओ। नहीं बिना पूछे छूना भी मत, ये मिठाई मेहमानों के लिए। ठीक है तो पूछ के खा लेते है ना। ओ मिठाई के थाल, हम लोग ये मिठाई खा सकते हैं? भला मिठाई का थाल भी जवाब देगा? क्यों नहीं देगा, सुबली को सब जवाब देते हैं। ओ मिठाई के थाल, हम ये मिठाई खा सकते हैं? हाँ सुबली बेट, क्यों नहीं आप जरूर खा सकते हो, एक क्या दो तीन चार सब खा लो। देखा अभी मिठाई की थाल ने भी हाँ बोल दी ना, अब खा सकते हैं, खाओ खाओ। अरे खाओ बिंदास। ए सुबली अपना मुंह साफ कर, जीजा जी के घर से कोई आया है। तो ये हमारी सुबह, तो तुम हो सुबह? हाँ मैं सुबह हूँ और ये सब मेरे दोस्त है, मोटू पतलू और पड़ाकू। हम लोग मिठाई खा लेते, अभी खाइए ना। नो 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 थैंक्स। बच्चों चलो घर पे जाओ और जल्दी से तैयार होके आना। हाँ चलो जाओ, जल्दी आ जाना। हो शुभू ये इला बहन है, ऋषि कुमार की भाभी। अरे बस बस, तो वो तुम हो जिसे हमारे ऋषि भाई ने पसंद किया है। तुम्हारे तो भाग खुल गए हैं। हाय हाय, वो गांव वाले और नानू है ना, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। इला बेन। इला बेन नहीं, इला भाभी। मैं तुम्हारी बेन नहीं, तुम्हारी जेठानी हूँ। लगता है कि तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। हाँ अरे हाँ हाँ बहुत पसंद है, और वो मेरे मोटू पतलू पड़ाकू थे ना, उनको भी इतनी पसंद है ना, मोटू तो खाना शुरू करता है ना तो रुकता ही नहीं। कमाल है, ऋषि भाई ने ऐसी बिल्कुल काफ्टी लड़की को कैसे पसंद किया। अरे सुब्बू, हाँ 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 कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सगाई की चुन्नर तेरे लिए ही बनी। मोटू तो एक बार खाने लग गया ना वो तो रुकता ही नहीं। लगो वो इला, वो फूलों की टोकरी कहाँ है? वो मम्मी जी गाड़ी में, प्लीज जरा लेकर आना। अभी ले। मैं तुम्हारे ऋषि की माँ हूँ। हमेशा खुश रहो, बहुत प्यारी लग रही हो।
सल्लू, ये ऋषि कुमार की माँ तो कितनी प्यारी है, और वो उसकी भाभी एकदम उस अंग्रेज जैसे अकड़ू। देखा नहीं मुझे कैसे देख रही थी? नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, अंदर सब लोग के दादाजी हैं, सब लोग के। अरे पता चल जाएगा तो समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात, मेरी एक बार मेरी बात। शुतिला भाभी, सामरो भाई, ये गाड़ी में से फूलों की टोकरी निकालो और अंदर लेकर चलो। अरे चलो जल्दी चलो। कर रहे हो? वहाँ बाहर नहीं लेके जाना है, घर के अंदर लेके जाना है। चलो जल्दी चलो। अंदर। सॉरी सॉरी। क्या? सॉरी? वाह, अब गांव के लोग भी इंग्लिश बोलने लगे। चलो जल्दी चलो। क्या करेगा, मरवाएगा? अरे तू मेरे से पहले। अरे ये लड़का सॉरी क्यों बोलता है? सुनो भाई, इस टोकरी को उस कमरे के दरवाजे के पास रख देना, जाओ। अरे सुब्बू, हाँ 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 हाँ, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सगाई की चुन्नर तेरे लिए ही बनी है। कितनी भोली है तू, तेरे कहने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। ऋषि के नाम की चुनर तो आज तू ही ओढ़ने वाली है। सुबह आज मैं अपना गुड्डा तुझे लौटा रही हूं। जाओ अभी यहाँ से, दादाजी ने देख लिया प्रॉब्लम हो जाएगा, जाओ। अरे जब आपने नहीं पहचाना तो दादाजी कैसे पहचानेंगे? एक बार दादाजी ने ध्यान से देख लिया ना, दोनों को पहचान जाएंगे। रमेश,